हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हनी बनी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपने रैबिट्स के साथ बॉन्ड कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी टिप नंबर वन है कि हमें रैबिट्स को कभी चेज नहीं करना है। अगर वो हमारे पास आते हैं तो हमें उन्हें सहलाना चाहिए, और हमें कभी रैबिट्स के पीछे भागना नहीं चाहिए। नहीं तो वो सोचते हैं कि मेरे पीछे एनिमीज हैं, तो वो डर के मारे उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो हमारी सेकंड नंबर की टिप है कि अगर आप पे एक सिंगल रैबिट है तो आपको उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। अगर आप पे एक रैबिट्स का जोड़ा है तो आप थोड़ा टाइम बिताना है उनके साथ, पर अब अगर आप पे सिंगल रैबिट है जैसे मेरे पे, तो आपको उसके साथ टाइम बिताना चाहिए। क्योंकि रैबिट्स एक फ्रेंडली एनिमल है, तो उन्हें साथ में रहना पसंद है। तो हमारी टिप नंबर थ्री है कि हमें रैबिट्स को हमेशा ट्रीट करना चाहिए, कि हमें उन्हें वीट फ्रेश वीट ग्रास देनी चाहिए। अगर आपको वीट ग्रास ग्रो करनी नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे दबाइए और वीट ग्रास ग्रो करना सीखिए। तो हमें रैबिट्स को अपने ट्रीट, जिससे कि वो आपके साथ बॉन्ड अच्छे से बना सकें। तो अब आती है हमारी टिप नंबर फोर। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जैसे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जैसे कि मैं रैबिट्स के लिए कुछ वीडियोस बनाता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ। तो आज की हमारे टिप नंबर फाइव है कि हमें रैबिट्स को कभी केज में नहीं रखना है, उन्हें फ्रीली रहने देना है। और आज की हमारी सारी टिप्स खत्म हो चुकी है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू। अगर आपके कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, और हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर दीजिए। तो हमारे अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस डाउट को आपका क्लियर कर दूंगा। अगर चैनल पर अभी तक बने हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। थैंक यू।